नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते, सभी को नमस्ते। जी सभी साथियों का इस हिंदी सत्र में स्वागत है। इसी कड़ी में अभी हम हिंदी सत्र में रविकांत गौतमी भैया की शेयरिंग को सुनेंगे। तो रविकांत भैया आज अपनी शेयरिंग को रखेंगे। तो भैया डेप्यूटी डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। भैया ने UHU का फर्स्ट वर्कशॉप जनवरी 2022 में किया था। उसके बाद में भैया ने फेस टू फेस UHU वर्कशॉप को भी अटेंड किया है सेज इंदौर में अगस्त 2022 में। भैया जीवन विद्या परिचय शिविर के साथ में भी जुड़े हुए हैं। भैया अपने व्यस्तता के कारण वॉलेंटियरिंग एक्टिविटीज में अभी इतना मतलब अपनी भागीदारी को नहीं निभा पा रहे, लेकिन भविष्य में जरूर वो अपनी भागीदारी को करना चाहेंगे। तो रविकांत भैया ओवर टू यू। नमस्ते भैया। नमस्ते आपको। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते नमस्ते भैया। शर्मा नमस्ते। जी। नमस्ते सुनील कुमार जी, तारा भैया और सभी को, अर्चना दीदी और सभी जो जितने भी को एक्सप्लोरर्स हैं, सभी को सुप्रभात और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आप सभी आयोजकों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे अपनी शेयरिंग को रखने की अनुमति दी। मैं शुरुआत में ही यहाँ पे व्यक्त करना चाहूंगा अपना आदरणीय श्रद्धेय ए नागराज जी की तरफ। आप सभी को अभी जो मेरा परिचय दिया गया है, थोड़ा सा मैं उसको ऐड करना चाहूंगा। जब से जीवन विद्या से या फिर UHU से मेरा परिचय हुआ है, तो तब से मैं और मेरा परिवार एक जगह पे नहीं है। जैसे मैं चूंकि ट्रांसफरेबल हूँ, तो सबसे पहले मैं नागपुर में था, घर में था, परिवार के साथ में था, लेकिन फिर बाद में मैं गढ़चिरौली नहीं गया, और गढ़चिरौली के बाद में फिर अभी मैं पूना में हूँ। तो इस वक्त मैं पूना में काम कर रहा हूँ, मेरी बीवी नागपुर में काम कर रही है और बच्ची दिल्ली में काम कर रही है। तो मेरा जो सारा जो अभ्यास का जो काम है, या फिर जहाँ पे मैं अभी इस वक्त UHG की जो मेरी लर्निंग हो रही है, उसको जब मैं प्रयोग में ला रहा हूँ, तो वो मेरा कार्यालय का स्टाफ है, या फिर जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो मेरा परिवेश है। तो इसके पहले जो बैच 6 हुई थी, उसमें मैंने अपना शेयरिंग किया था, और तब मैंने अंग्रेजी में शेयरिंग किया था। मैं पहले ही बता दूं कि मैं अभी जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो सब एकेडमिक से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं एकेडमिक से नहीं हूँ। मेरी बीवी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती है, और उनको UHU का कोर्स अनिवार्य किया था, तो उन्होंने मेरी रुचि देखकर मुझे कहा कि आप इस कोर्स को अटेंड कर लो। तो मैंने उनकी प्रमाण पत्र के लिए उनके लॉगिन पर उनका कोर्स अटेंड किया। तो वो स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही किया था, पहला सत्र किया, दूसरा सत्र किया, लेकिन तब समझ में आया कि इसमें कुछ अलग बात बताई जा रही है। तो मैंने उसको उसको पूरा अटेंड किया, सारे पोल्स दिए, असाइनमेंट दी, और उसका सर्टिफिकेट बीवी के नाम से आ भी गया। पर मुझे उसकी उसमें बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट आने लगा। मैंने फिर अपने नाम से उस कोर्स को रजिस्टर किया, और फिर जनवरी में मैंने अपना पहला कोर्स पूरी ईमानदारी साथ में किया, उसका सर्टिफिकेट भी मुझे लिया मुझे मिल गया। लेकिन मैं इसमें देखा कि इसमें जो बात बताई जा रही है वो बहुत अलग है, भिन्न है। मैं अपनी AICTE की जो वेबसाइट है, UHU की वेबसाइट है, उसमें मैं गया। उसमें जो किताब थी अपने बांगड़े सर की, असरन सर की और गौर सर की, जो फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, उसको मंगवाया, फिर उसको पूरा पढ़ा। और पढ़ने के बाद में मैं देख पाया कि ये बहुत ही डिफरेंट हो रहा है। बहुत बहुत सारी बातें मुझे समझी भी नहीं, पर मुझे लगा कि इसमें बहुत अलग चीज़ है, और मैं उसके रेफरेंसेस में गया, तो फिर मैं वहां पे देख पाता हूँ श्रद्धेय ए नागराज जी का नाम। ये तब तब की बात है, ये 2022 की बात है, स्टार्टिंग की। तो मैं इसको और अधिक जानने की मेरे अंदर में इच्छा निर्माण हुई, और मैं सीधा यहाँ से नागपुर से, तब मैं कह रहा था नागपुर से निकल के मैं सीधा बेमेतरा छत्तीसगढ़ गया, मानव तीर्थ गया। वहां पे मैं आदरणीय साधन भट्टाचार्य जी से मिला, और थोड़ी फिर बहुत सारी जानकारी वहां से मुझे मिली। मैं एक दिन वहां पे रहा, उसके बाद मैं रायपुर HOT में गया,
और तब मेरा जीवन विद्या से थोड़ा थोड़ा पहली बार परिचय हुआ। मैं उन लोगों को मिला जो इस दर्शन के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। उन फैमिली में मैं रहा। उसके बाद में फिर मैंने उनके जो उन्होंने जो हम हमारी जो चर्चा हुई थी के आधार पर उन्होंने कहा कि भाई हमें बहुत सारे प्रबोधों की बातें सुननी है। तो फिर मैंने पूरा 2022 का जो साल है मेरा, मैंने 7-8 प्रबोधकों को सुना। तो मैं बताना चाहूंगा कि फिर मैंने देखा कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको मुझे एक बार फिर से समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले जब इसको पढ़ता था, जीवन विद्या को जब मैं पढ़ता था, तो मुझे लगा कि मैं जो मेरी पहले से मान्यताएं थी, जो जैसे मैं किसी धर्म को मानता हूँ या फिर मैं मेरा जो परिवेश में जो चीज चल रही है उसके कारण मेरी जो मान्यता बनी है, तो उसके आधार पर मैं इस दर्शन की जो शब्दावली है, उसकी जो परिभाषाएं है, उसको मैं जोड़ के समझता था। लेकिन फिर एक और ध्यान गया कि ये बहुत ही डिफरेंट है, अलग है। फिर श्याम भैया की एक रिकॉर्डिंग थी सार सत्र की, 21 दिन की, उसको मैंने सुना। फिर मुझे लगा कि ये बहुत ही डिफरेंट है, इसको अलग से ही देखना चाहिए। और एक शब्द भी आया था, विकल्प। फिर मैंने इसको सोचा कि नहीं, इसको बहुत ही अलग तरीके से ही देखना चाहिए। कहीं पर भी किसी भी एंगल से इसको किसी भी मान्यताओं का दर्शन का जो नाम है वो नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इसलिए फिर मैंने अपना एक इसको समझने का प्लान बनाया। मैंने देखा कि भाई मेरी अपनी व्यस्तता भी है और मेरी अपनी रुचि भी बढ़ रही है। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगा कि मैं पूरा छुट्टी लेके पूरा 15-20 दिन उधर कानपुर में जाके बैठूं। मैं उसके लिए कानपुर भी गया था, मैं मंदाना जाके आया हूँ। वहाँ पे कुछ लोगों से मैंने तब उस दिन जो लोग उपस्थित थे उसमें बात भी किया हूँ। और डॉक्टर सत्ता की जो किताब है उनको भी मैं लेके आया हूँ, उसको भी मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने अपना एक प्लान बनाया कि नहीं, ये बहुत अलग बात है, इसको मुझे सिस्टमेटिक सुनना पड़ेगा। इसलिए पिछली बार का जो बैच 6 का मैंने अटेंड किया था वो तो ऐसे ही किया था, लेकिन अब इस बार मैंने उसको प्लान बनाया है कि इस बार जो मेरा ये साल का जो प्लान है, मेरी अपनी व्यस्तता को देखते हैं, कि वो ये है कि सबसे पहले मैं इसको सुनूं, सबसे पहले मैं इसको पढ़ूं, सबसे पहले मैं इसको समझूं। यानी अध्ययन, अभ्यास और अनुभव का जो भी बात है, अपने अंदर में ही इसको इंटरनलाइज करूं। और जो जो जैसे जैसे मेरे अंदर में ये इंटरनलाइज होता जाएगा, वैसे वैसे मेरे व्यवहार में, कार्य में ये उतर जाएगा। तो इसको मैंने इस तरह से बनाया है। इसलिए मैं इस सत्र में जब मैं ज्वाइन हुआ, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सर मुझे सुबह उठने की वैसी आदत है नहीं। मैं ये पहली बार हुआ है मेरे पूरे अभी इतने 20-30 साल की लाइफ में। पहले स्टूडेंट लाइफ में मैं बहुत मॉर्निंग वॉक वगैरह, मॉर्निंग रनिंग करता था, पर अभी मैं रोज सुबह 4-4:30 बजे उठता हूँ रोज। अब तक कोई नागा हुआ नहीं। यहाँ तक कि मैं मेरी ट्रैवलिंग में भी होती है या ट्रेन में भी रहता हूँ, तभी भी मुझे 4 बजे जाग आ जाती है। अभी मुझे आदत हो गई है। और 5:30 से लेकर 7:30 का जो सत्र है उसको बड़े ही ईमानदारी से सुनता हूँ। कभी वॉकिंग में भी होता हूँ तो भी तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं सुनता ही हूँ। मैंने भी देखा है काउंटिंग करके कि मैंने सिर्फ 5 बार मैं इसको क्या बोलते नागा किया हूँ, मतलब अब्सेंट रहा हूँ। वो भी बहुत सीरियस इश्यूज थे और मुझे वो पॉसिबल नहीं हो पाया। एक तो 2-3 बार मैं ट्रेवल कर रहा था तो मुझे रेंज नहीं मिली थी, और 2-3 बार मैं थोड़ा सा बीमार था, मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया, सो गया था मैं। तो ये एक थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड यहाँ पे रखता हूँ। एक और चीज मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा कि मैं बुद्धिज्म का विद्यार्थी रहा हूँ और विपस्सना के कोर्सेस मैंने किए हैं। तो मैंने देख पाया कि भाई जो भी तकलीफ होती है, मन को दुख होता है, तो उससे निकलने के लिए कहीं ना कहीं शांति का जो प्रयास अलग अलग चल रहा है उसको करना पड़ता है। तो पहले मैं जैसे देखे कि अगर कोई गुस्सा आ गया, मैं पहले से बचपन से जरा ज्यादा गुस्सैल था, अभी तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो तब टीचर लोग बताते थे कि यार 1, 2, 3, 10 सौ तक गिनना तो गुस्सा कम हो जाएगा। तो ऐसे मैं पहले करता था। जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर पता चला कि भाई नाम स्मरण भी करते हैं, तो नाम स्मरण करने लग गया। भगवान का नाम तो उतना नहीं लेता था, लेकिन
कहीं ना कहीं लगता था कि चलो किसी का नाम लेके ये करें, तो वो भी करता था। फिर बुद्धिज्म में जैसे मुझे इंटरेस्ट आने लग गया तो मैंने आनापान सती का काम किया, यानी सांस को देखने का काम किया। फिर विपस्सना में आया तो संवेदनाओं को देखने का काम किया, ध्यान धारणा के, SSS के कोर्सेस के, अलग अलग जहां जहां मुझे लगता है कि यहाँ पे अपने मन को शांत रखने के लिए कुछ मिलता है तो वहां वहां पे गया। ये एक सवाल था मेरा, जिसको मैं ढूंढने के लिए मैं हर जगह जाता था। दूसरा एक और था, मेरी क्यूरियोसिटी रही है कि भाई पूरे समाज के अंदर में मैं देखता हूँ कि हर एक जन दूसरे से झगड़ रहा है, हर एक जन दूसरे से स्पर्धा में है। और मैं ये भी देख पाता हूँ कि जितने भी हमारे जो ग्रंथ है उसमें हर जगह युद्ध ही युद्ध लिखा है। बहुत कम जगह ऐसी दिखती है जहाँ पे मिलने की बात हो रही है, संबंध की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है। बहुत जगह पे ऐसा दो चीजें दिखती है कि जहाँ पे प्रेम भी लिखा है और किसको मारना भी लिखा है, और दोनों को हम जायज ठहराते हैं। तो मेरा ये भी इंटरेस्ट रहा कि मैं कुछ कोई तो ऐसी चीज होगी जो एक दूसरे को जोड़े, और इसी कारण मेरा बुद्धिज्म पर थोड़ा सा क्या मैं उसके ओर चला गया। तो जब मैं देखा कि ये चीजें मुझे जीवन दर्शन में, ये जीवन विद्या में, आयुष दर्शन में बहुत ही अलग तरीके से मुझे थी, तो फिर मेरा मेरी रुचि इस ओर बढ़ गई। और USU का ये जो बैच है, जो 8 है, उसको मैं बहुत ही ईमानदारी से ज्वाइन किया। मैं अभी आपके सामने जो एक्सरसाइज 1 और 2 के बारे में जो मेरा अनुभव, उसको रखने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं पहले ही बता दूं कि मुझे विपासना का मैं विद्यार्थी हूँ, तो ये देखने में मुझे ज्यादा उतनी तकलीफ हुई नहीं। कुछ कुछ जगह पे हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अभ्यास में कमी है, उसको मुझे करना है। तो एक्सरसाइज 1 और 2 में जो चीज है, अभ्यास 1 में पहली जो स्टेप है इसमें कि चैतन्य के द्वारा चैतन्य को देखना। तो जैसे बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा कि वहां पे एक समासती करके चीज आती है, जहाँ पे हम हर वक्त जागृत अवस्था में रहते हैं। हम देख पाते हैं कि हमारे मन मन के अंदर में क्या विचार चल रहे हैं और शरीर के सभी अंगों में क्या क्या संवेदनाएं आ रही है। इसका मुझे अभ्यास था, पर मैं पहली बार इसमें देखा कि मैं भाव को भी देख पाता हूँ। पहले मैं विचारों को मैं देख पाता था, मैं लेकिन इसमें देखा कि भाव, जैसे जिसको बोलते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था कि भाव एक्चुअली होता क्या है। और जैसे जैसे मैं देख पा रहा था कि हाँ भाई, मुझे कभी कभी सुख महसूस होता है, दुख महसूस होता है, विश्वास है, प्रेम है, श्रद्धा है, करुणा है, ये सारे सारी चीजों को मैं धीरे धीरे दिखने लग गया। और इस पर मेरा ध्यान गया, और जो इच्छा है उस पर भी मेरा ध्यान गया। फिर मैं इसको और देखने लगा कि हाँ, विचार भी अलग है, भाव भी अलग है, और आशा भी अलग है। और इसमें मैं ये भी देख पाया कि भी जो मेरी इच्छा है, जो मेरी इच्छा है कि मैं अपने आप को स्थिर रखूं, अपने आप को क्या बोलते हैं कि उसको एक जैसे शांति के भाव में रखूं, या इस तरह से मेरी अपनी मतलब अपेक्षा मुझे समझ में आई। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो मेरे भाव और विचार है उसको देखने के लिए तो मुझे ज्यादा कठिनाई हुई नहीं, पर मैं इसको और अधिक देख पाया कि मुझे ये अच्छा लगता है, सहज भाव में रहना, सुख में रहना, संबंध में रहना, इसको मैं देख पाया हूँ। और वैसे थोड़ा सा नेचुरल एक्सेप्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सहज स्वीकृति, उसको देखने में मुझे थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ा, पर इसको मैं देख पाया कि संबंध में जीना अच्छा लगता है। एक सवाल था अपनी चर्चा में कि क्या मुझे संबंध में जीना अच्छा लगता है या विरोध में, तो इसमें फिर और अच्छा ध्यान गया कि संबंध के भाव में जो जीने की इच्छा जो है वो मेरे मन में सदा ही दिख रहे, और इसमें सुख और शांति होती है, अच्छा लगता है। एक बात तो समझ में आई कि संबंध का भाव या किसी के बारे में अपनेपन की भावना बड़ी सुखदायी है। किसी के बारे में जब बुरा विचार मन में आता है तो मन ही खुद अपना तकलीफ में आ जाता है, इसको भी मैं देख पाया। और ये मेरे लिए सहज है या नहीं, यह मेरे मानवीय स्वभाव के अनुरूप है या नहीं, यह देखने का काम अभी थोड़ा सा चल रहा है। सहज भाव के साथ में अच्छा लगता है, और इसको बनाए रखने की जो चाहत है उसको भी मैं देख पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अभ्यास अभी जो चल रहा है उसको जैसे जैसे मैं और अधिक करता हूँ तो ये इसको मैं और अच्छे तरह से देख पाऊंगा। ये जो है अभी स्टेप नंबर 3
में तो एक समझ में आया, मैं जो स्टेप नंबर 4 की बात थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा, एक इंसिडेंस थोड़ा सा लाइफ का जो यहाँ पे है मैं शेयर करूंगा, और शायद मुझे लगता है ये इंसिडेंस सभी के साथ में होता है। मैं ऑफिस में हूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों को कॉल करने पड़ता है, आप सभी को भी कॉल करने पड़ते होंगे। मैं तीन कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने मेरे जूनियर को कॉल किया और उसने नहीं उठाया, मैंने मेरे सीनियर को कॉल किया उन्होंने भी नहीं उठाया, और मैंने मेरी बच्ची को कॉल किया तो उसने भी नहीं उठाया। अब ये तीनों लोगों ने जब मेरा कॉल नहीं उठाया तो मेरे मन के अंदर में जो भाव चलते हैं उसको मैं देख पाया हूँ। मैंने देखा कि जब मैं अपने जूनियर को कॉल करता हूँ और जूनियर उसको उठाता नहीं तो मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने जब ये देखा कि मैं अपने सीनियर को मैं कॉल कर रहा हूँ और सीनियर जब उठा नहीं रहे तो मुझे लगता है कि क्या मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, तो एक अपराध बोध के एक भाव उसको मैं देख पाया हूँ। और जब मैं अपने बच्ची को फोन कर रहा हूँ और वो अगर मेरे कॉल को उठाती नहीं तो मेरे अंदर कंसर्न होता है कि क्या उसको कुछ हुआ तो नहीं। तो इसको मैं देख रहा हूँ और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इससे मेरा मन व्यथित हो रहा है। और इसको मैं देखा कि भाई जिनको कॉल किया है उनकी तरफ से तो कोई समस्या है ही नहीं, कॉल मैंने किया और उन्होंने सिर्फ फोन नहीं उठाया, अब सोचने का काम तो मेरा था। तो जो मैंने सोचा उसका आधार तो मेरी मान्यता थी ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं जब इसको देख पा रहा हूँ कि मेरा जूनियर उसके बारे में मेरी जो मान्यता है, मेरे जो सीनियर है उसके बारे में मेरी जो मान्यता है, या मेरे बच्चे के बारे में जो मेरी मान्यता बनी हुई है उसके आधार पर मैंने क्या समझा, अपने कंक्लूजन बना लिया। जूनियर ने मेरा कॉल नहीं उठाया तो उसको मैंने बदतमीज समझा, सीनियर ने मेरा कॉल नहीं उठाया तो मैंने इगोस्टिक समझा, और बच्चे को केयरलेस समझा। और इस गैर समझ के कारण मैं बिगड़ गया ये मैं देख पाया, मैं दुखी हो गया ये भी देख पाया, और बड़े गलत गलत विचार भी मन में आने लगे। तो ये भाव जो है ये भाव चल रहा था, मैं देख पा रहा था कि मैं आराम में नहीं हूं, मैं परेशान हूं। मैं ये भी देख पा रहा था कि अंतर विरोध चल रहा है और मैं दुखी हो गया हूँ। अब जब ये कॉल के बाद में मैं देखा कि उनके कॉल आए, मैं यहाँ पे इसको और रखना चाहूंगा, ये अलग अलग समय में ये हुआ है, पर उसको मैं बड़े ही आराम से देख पा रहा था इस अभ्यास के दौरान कि ये हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसे देख रहा हूँ। तो जैसे मुझे जूनियर के वापस कॉल आता है तो उसका मुझे पता चलता है कि हाँ भाई वो बाथरूम में था, वो मेरा फोन नहीं दे पाया। मेरा सीनियर का भी कॉल आया कि भाई रवि ऐसा है, मैं फोन मेरा साइलेंट मोड में था, मैं देख नहीं पाया। और बच्चे को भी बच्चे का भी कॉल आया कि भाई मैं वो ऑनलाइन कुछ क्लासेस चल रहे थे उसके उसमें वो अटेंड कर रही थी। तो फिर मैं देख पाया कि अब तो मैं शांत हो गया हूँ, जैसे उनके कॉल आया तो मैं शांत हो गया। तो फिर मैंने देखा कि जब मेरा कॉल वो उठाते नहीं तो उसको मैंने अपमान समझ लिया, जब उन्होंने मुझे रिप्लाई बैक किया तो मैं समझ लिया ये मेरा सम्मान है। तो इस तरह से मैं देख पाया कि ये जो मेरी मान्यताएं बनी हुई है उसको भी मैं देख पाया कि इसके कारण जैसे जैसी एक्शन वैसी हुई वैसे वैसे मेरे मन के अंदर विचार पैदा हुए और उस विचार को मैंने अर्थ दे दिया, और उसके कारण ही मेरे मन के अंदर में अंतर विरोध हुआ या फिर हार्मनी हुई, मैं परेशान हूँ या फिर आराम में हूँ या फिर सुखी दुखी हुआ मैं। स्टेप 4 के बारे में मैं इसी इसी घटना को थोड़ा सा आगे भी लेके जाना चाहूंगा कि जब मैंने बच्ची से बात किया, बच्ची उधर IIT दिल्ली में है और मैं अभी सारे बड़े बच्चे हैं तो मैं उससे जरा अच्छी तरह से बात करता हूँ। जब से दर्शन के साथ में संपर्क आया है तब से बहुत अच्छी कम्युनिकेशन मेरी बच्ची से हो रही है। तो उनका उसका कॉल है और उसने मुझे बताया कि वो कॉलेज का काम कर रही है। तो एक फादरली कंसर्न है, मैंने कहा कि यार फोन जरा समय पर उठाया करो। तो उन्होंने कहा कि पापा अगर मैंने समय पर आपका फोन नहीं लिया तो इसका अर्थ सिर्फ यही ही नहीं है कि मुझे कुछ हो गया है, मैं और अन्य काम में व्यस्त रह सकती हूँ। अगर आपको सोचना ही है तो थोड़ा सकारात्मक सोचिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी जैसे मैं अभ्यास में हूँ तो मैं चीजों को मैं सुन पा रहा हूँ, मतलब मैं उनके शब्दों को सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। तो जैसे उसने कहा कि भाई थोड़ा सकारात्मक सोचिए, फिर मुझे एक ध्यान में आया कि भाई ये तो बड़ा सही है, सोचना तो मुझे क्या सोचना है, क्या अर्थ लगाना है, इसका निर्णय तो मैंने ही लेना है। तो मैं ये देख पाया कि जो बात मुझे महत्वपूर्ण लगती है मैं उसे ही अटेंड करता हूँ, उस पर ही मेरा ध्यान जाता है, किस बात पर ध्यान देना है इसका निर्णय तो मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं ऑफिस में काम करता हूँ और मेरे ऑफिस में रोज अलग अलग बहुत सारे लोग आते हैं,
तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो बंदा जैसे आता है वैसे ही मैं उसको अटेंड करता हूँ। मतलब हर वक्त मैं अपने चीजों को जो है, जैसे कोई बंदा आ गया मेरे सामने तो मैं उसको देखता हूँ, उसकी जो समस्या है उसके अनुरूप मैं उसको बात बात करता हूँ। फिर दूसरे समय में दूसरा बंदा आता है उसको भी मैं उसके एंगल से देख के बात करता हूँ, उसको क्या चाहिए। तो मैं इसको मैं देख पाया कि यार ये जो सोचने का काम तो मेरे कंट्रोल में है, उसको मैं क्या बताना ये भी मेरे कंट्रोल में है। और ये भी ध्यान में गया कि मेरे भाव और विचार का तो अभी निर्माता मैं ही हूँ और ये मेरे दोनों नियंत्रण में है। ये इस तरह का जो रिलेशन है भैया, इसके पहले कभी नहीं हुआ। इसके पहले जब मैं देख पाता कि मुझे ऐसा लगता था कि भाई विचार आते हैं मन के अंदर में, अब मैं देख पाया कि विचार मैं खुद लाता हूँ। तो इसका अर्थ जो भी, अगर विचार मैं खुद लाता हूँ, भाव मैं खुद लाता हूँ, या ये दोनों मेरे नियंत्रण में है, तो जिसके कारण मेरे सुख और दुख का मतलब प्रभावित हो जाते हैं, तो एक समझ में आया कि भाई इसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूं। मैं ही, क्योंकि इसका अधिकार मेरे पास में है तो उसका जिम्मेवार भी मैं हूं। और जैसे ये मैं इसको देख पाया इस अभ्यास के समय कि मैं वो जो विचार है जो मेरे मन के अंदर में उत्पन्न हो रहे, या फिर जो भी भाव है जो मेरे मन के अंदर में उत्पन्न हो रहे हैं, वो जब मेरे अधिकार में है, इसका एहसास जैसे ही हो जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। और फिर मैं देख पाता हूँ कि ये तो बड़ा आसान ही है। अगर मैं इसको इस तरह से ही देखूँ तो मैं हर वक्त टेंशन फ्री रह सकता हूँ। तो ये बड़े ही अलग, उसको कहिए कि एक एनलाइटनिंग जैसा हो गया कि हाँ यार, सुखी होने का काम तो सारा मेरा ही है और अभी इस पर प्रयास कर रहा हूँ। कुछ कुछ मैं दिन में देख पा रहा हूँ कि जब मैं कहीं और, जैसे किसी बॉस के सामने या कहीं पर जब होता हूँ, तो थोड़ा इस पर ध्यान कम जाता है। पर ये तो मैं इसको मैं देख पाया हूँ कि ये जो भी मेरे मन के अंदर में विचार और भाव चल रहे हैं, ये इसका सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं उसको देख पा रहा हूँ, उसका नियंत्रण मेरे हाथ में है। जैसे चाहूँ मैं उसको अर्थ दे सकता हूँ, ये भी मेरे हाथ में। और इसके कारण एक चीज हो गई कि फिर मैं अभी दूसरों को कारण समझने का भी, मतलब इसके लिए दूसरे कोई कारण हो गया, ऐसा मेरे मन में भाव भी आजकल कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। और मैं अभी इस अभ्यास में भी जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये बड़ा ही आसान अभी लग रहा है। स्टेप 5 जो है कि निर्णय लेने का आदर्श समझ या मान्यता है। यहाँ पे मैं और एक बार अपने उसी अनुभव को शेयर करना चाहूंगा कि जैसे मैंने भी कहा कि भाई उनका जब कॉल मुझे नहीं आया तो मैंने अपमान समझ लिया, और कॉल जब वापस रिप्लाई बैक आया तो मैंने अपना सम्मान समझ लिया। तो एक मैं समझ में आ पा रहा हूँ कि ये मैं किस उसको मान और अपमान ये अर्थ कैसे लगाता हूँ। फिर मैंने एक चीज और देखी कि अगर जैसे कुमार भैया बहुत बार कहते हैं कि क्या मैं दूसरों को सुखी करना चाहता हूँ, इसको देखो मैं क्या चाहता हूँ ये देखो। तो अभी मैं इसको ये देख पाया कि अगर ये तीनों मेरे से संबंधित होते, जो जूनियर है वो मेरा भाई होता, जो सीनियर है मेरा भाई होता, या और जो बच्चे हैं मेरा भाई होता, और ये तीनों मेरे भाई हैं, मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, जब मैं उनको कॉल करता हूँ और मेरा कॉल उठाते नहीं, तो मेरे मन के अंदर में क्या भाव आएगा? अगर वो जूनियर है तो क्या मैं गुस्सा करूंगा? अगर वो सीनियर है तो क्या मेरा मन अपराध बोध में जाएगा? मुझे ध्यान में आया कि अगर मैं इनसे जुड़ के देखता हूँ, अपने साथ संबंधित होके अगर देखता हूँ, तो सिर्फ भाव सिर्फ एक ही बनता है कंसर्न का। भाव सिर्फ एक ही बन रहा है कि हाँ भाई कुछ काम चल रहा होगा या कुछ और चीज हो गई होंगी, तो एक अलग से भाव आता है जिसमें गुस्सा नहीं होता है, अपराध बोध नहीं होता है। तो ये मैं देख पा रहा हूँ। तो इसको मैं ये समझ में आया कि अगर मैं अपने पुरानी मान्यताओं के आधार पर किसी को जूनियर सीनियर समझता हूँ, अपना पराया समझता हूँ, तो मेरे भाव अलग अलग हो जाते हैं। पर अगर मैं सभी को मेरे से संबंधित समझता हूँ, तो मेरे सभी के लिए भाव जैसे हो जाते हैं। एक आपने देखा होगा कि भाई जो भी हम ये जो निर्णय ले रहे हैं, ये जो ये भाव कैसा है, ये विचार कैसा है, इसके पर हम जब निर्णय ले रहे हैं, तो इसके आधार के बारे में बहुत सारे लिटरेचर फील्ड में अवेलेबल है। मैं स्टीफन कोवे को यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप की बात वो करते हैं। उनका कहना यह है कि अगर हमारे सारी चीजें, जिसमें वो पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, कि अगर हमारे धारणाएं ठीक है, पैराडाइम अगर ठीक है, तो वी कैन चेंज अवर एटीट्यूड, इस तरह से वो लिखते हैं। अब ये तो समझ में आया, लेकिन इन दोनों अभी एक जो थेरियस है उसको, उसमें आधार को क्यों समझना है, इस पर ध्यान गया।
पर आधार है क्या, समझना क्या है, समझने की वो कंटेंट वस्तु क्या है और कितना वो समझ में आया तो पूरा होगा, इन प्रश्न के ऊपर मेरा पहले कभी ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब ये ध्यान आ गया और ये फिर देखा कि मैं जितना जितना अपने आप को दूसरों से संबंधित देख पाता हूँ, जितना जितना मैं अपने आप को दूसरों से संबंधित किसी व्यवस्था में शामिल होने की ओर देख पाता हूँ, तो मुझे फिर ये जो निर्णय का आधार समझ ले मतलब ठीक लगता है, और मेरे मन के अंदर में फिर एक सहज स्वीकृति का भाव आता है। जैसे भी ये तीनों घटनाओं को जब मैं देख पाता हूँ कि मेरा जूनियर है, सीनियर है या फिर बच्ची है, तो अगर मेरे अंदर में पहले से ही जवाबदार है, मान लीजिए मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि इन तीनों को मुझे उनकी समस्याओं के लिए कोई सॉल्यूशन बताना था और उसको मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, जैसे मेरे जूनियर का कोई सवाल है और उसके लिए मेरे पास जवाब है, समाधान है और उसको मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ और मेरे कॉल उठाता नहीं है वो, तो क्या मैं गुस्सा हो जाऊंगा? नहीं, अगर मेरे पास समाधान है तो मैं गुस्सा नहीं हो जाऊंगा। जैसे सीनियर का कोई सवाल होगा और उसका जवाब मेरे पास है और उनको मुझे कम्युनिकेट करना है कि सर ये ऐसा ऐसा सॉल्यूशन है, मैं उनको कॉल करता हूँ और वो मेरे कॉल नहीं उठाते, तो क्या मेरे अंदर मेरे मन के अंदर में वैसा ही भाव आएगा, क्या मैं अपराध बोध में रहूंगा? मुझे लगता है नहीं। तो इस बात पर मेरा ये ध्यान गया कि अगर मेरे पास समाधान है, मैं अगर समाधान सॉल्यूशन के अवस्था में स्थिति में रहता हूँ तो निश्चित ही मेरा मन स्थिर रहता है, शांत की अवस्था में रहता है, संगीतमय में रहता है। तो ये मेरा स्टेप 5 में इसको मैं कोट करना चाहूंगा। स्टेप 6 में जो एक समझ में आ रहा कि हाँ ये इसको ध्यान गया मेरा कि सुख की जो व्याख्या मैं पहले अलग अलग सोचता था, लेकिन जैसे मैं जीवन विद्या से परिचय हुआ है तो मैं सुख क्या है इस बात की ओर बहुत ज्यादा पिछले 1-1.5 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ और बड़ी अलग चीज महसूस होती है मुझे। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे वो क्या बोलते हैं ना कि जैसे पैशन या फिर जो अलग चीज होती है कि चलो चील करते हैं, इस बात पर मेरा भी वो ध्यान गया कि ये सुख नहीं, तो सुख क्या है? तो सुख तो आनंद ही आनंद, इतना इतनी अच्छी भावना है कि जो शांति, आनंद, सहजता, संगीतमयता इसको लाए, और इसको मैं देख पा रहा हूँ कि ये मेरी निरंतर चाहता है, चाहना भी है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर मैं शरीर को ज्यादा तकलीफ नहीं देता हूँ, जैसे रहन सहन है, खान पान है और थोड़ा सा व्यायाम का ध्यान देता हूँ, तो मेरा शरीर व्यवस्था में रहता है। ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि भाई सारी जो संसार की बाकी जो इकाइयाँ है वो भी अपने आप में व्यवस्था में है और एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है, पूरकता से और उपयोगिता से संबंधित है, सह अस्तित्व में है। तो इस बात पर थोड़ा ध्यान गया और इस बात पर भी नए सिरे से मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप में सह अस्तित्व में कैसे हूँ। तो मैं और शरीर, ये अभी जब मैं अभ्यास 2 की तरफ अपना एक्सरसाइज 2 की तरफ जाऊंगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो भी बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। लेकिन मैं इसको समझ पाया हूँ कि भाई शरीर पोषण संरक्षण से चलता है और जो मैं हूँ सेल्फ हूँ वो किसी अन्य ऊर्जा से चलता है। और अभी ये तो जानकारी के स्तर पर है कि व्यापक में सभी संप्रदाय इकाइयां संपृक्त है, लेकिन फिर भी मैं उसको धीरे धीरे ऐसे समझ पा रहा हूँ कि उसके ऊपर मेरा ध्यान गया है और मेरा ये मेरी कोशिश है कि जैसे जैसे मैं अभ्यास में और अधिक अपना जोर लगाऊंगा उसमें और ज्यादा चिंतन मनन में जाऊंगा, ज्यादा फोकस करूंगा, तो निश्चित ही मैं संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को जो है उसको समझ पाऊंगा और मेरी अपनी खुद की जो कोशिश है वो भी इसी इसी में रहती है। और मैं आजकल उसको ऐसा कहिए कि मैं हर हर एक से, जैसे अगर कोई कुत्ता भी सामने आ गया और या फिर कोई थोड़ा बच्चा भी सामने आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे अगर खुश होना है तो 4 किलोमीटर दूर रहने वाली बहन के साथ, बहन के तरफ मिलने जाने में उतनी जरूरी नहीं है, जो पास का जो बच्चा मेरे सामने खड़ा है उसके साथ में टाइम पास कर लिया जाए, उसके साथ में जी लिया जाए, जो पौधा है उसको पानी दे दिया जाए और जो मेरे आसपास के लोग हैं उनके साथ में मैं बस मुस्कुराते हुए बिस्किल भाव से रहूं। तो ये एक बात पर मेरा ध्यान गया है और इसलिए स्टेप नंबर 7 में जो है कि भाई इस ओर मेरा ध्यान तो गया है कि मैं इसको इसके कारण मैं सुखी होता हूँ, पर
पर जैसे मैंने अभी कहा कि मेरा भी प्रयास चल रहा है, इस सत्र में अभ्यास के दौरान मेरा ध्यान गया कि हर क्षण निर्णय पूर्वक अगर मैं अपने भाव को संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व अर्थ में सुनिश्चित करता हूँ तो मैं सुखी होता है, इसका अंदाजा आ गया है। और जैसे मैं कौन हूँ, मेरी सुख की जो चाहना है वो क्या है, क्या सुख आवश्यक पैशन है या फिर सुख शांति स्थिरता आनंद है, ये जो है इसको मैं देख पाया हूँ और धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। बहुत सारी अच्छी बातें सत्र के दरम्यान जो शेयर की गई बहुत सारे लोगों की तरफ से, तो ये समझ में आया कि संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व के साथ साथ में समाधान, अगर ये इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो निश्चित ही मुझे लगता है ये इससे ही हम सुखी होने वाले, और मेरा प्रयास भी यही है। तो कोशिश में हूँ भैया, और ऑलमोस्ट अभी तो डेली का काम हो गया है, तो इस तरह से ये अभ्यास एक का जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है। मैं अभ्यास दो की तरफ जाना चाहूँगा। इस अभ्यास एक में स्टेप नंबर 6 और 7 में थोड़ा सा मुझे और काम करना बाकी है, और मुझे लगता है कि उसको 1 साल या ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि ये इतना आसान तो है नहीं कि भाई इसको मैं उस तरह से लिखूँ। एक वो गाना है कुन फाया कुन, तो उसको अगर हम लोग समझते जो है मुझ में समाया वो है तुझ में समाया, है ना, ये जो समाने की जो बात है उसके ऊपर मैं फिर बाद में उसको अपना रखना चाहूंगा। अभ्यास नंबर 2 की तरफ जाना चाहता हूँ। अभ्यास नंबर 2 में भैया स्क्रीन आप चेंज कर सकते हैं। मैं चैतन्य और शरीर के बीच होने वाले आदान प्रदान को जो देखने की जो अभ्यास है उसके बारे में मैं यहाँ पे अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं विपसना का विद्यार्थी रहा हूँ, और विपसना के जो 10-10 दिन के कोर्सेस होते हैं उसमें मैं उन सारी अवस्थाओं से पार हो गया हूँ जहाँ पे तरंग की अवस्था होती है कि जहाँ पे धारा प्रवाह चलता है। तो ये जो संवेदनाओं को देखने का जो मेरा अभ्यास रहा है वो पहले का ही भी बड़ा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और शेयर करना चाहूंगा। कुछ देर की बात है, अभी ये जब सत्र के जो ये जो प्रैक्टिस है जो चल रही थी, एक बार की बात है, मैं अपने ऑफिस सर के सामने बैठा था, मेरे सीनियर के सामने, मेरा सीनियर उसकी उम्र 57 में, अभी वो रिटायर होने वाले हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ पर वो मेरे से सीनियर है। तो देखिए कि जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति जिस तरह से बैठता है और हम उसको देख पाते हैं कि भाई उनके काले बाल जो है, तो काले बाल जो है वो रंग लगाए हैं, उसके नीचे सफेद बाल है और चेहरे पर थोड़ी सी झुर्रिया दिख रही है, पर मैं देख पा रहा था कि उन वो जो वो जिस गति से काम करने की बात कर रहे थे उसको मैं देख पा रहा था, ये समझ रहा कि भी उनके काम का उत्साह कितना ज्यादा है। मैं बैठे बैठे सामने ये सोच रहा था कि यार ये इतनी ऊंची ऊंची बातें करता है, इतनी तेज गति से बातें करता है, पर ये उसका शरीर उसको उठा पाएगा क्या भाई, इस उम्र में इसके शरीर की जो अवस्था है क्या इस इतने तीव्र उत्साह का बोझ उठा पाएगी। तो एकाएक ध्यान गया कि यार शरीर तो भी कमजोर हो रहा है पर ये उत्साह का कमजोर हो रहा है, उत्साह रहता कहाँ पे है, शरीर तो इतने उत्साह को नहीं झेल पाएगा। तो तब मैं इस पर ध्यान गया कि उत्साह चैतन्य में है और शरीर अलग है, तो इसको मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से देख पाया कि मैं और शरीर दोनों अलग इकाइयां हैं और मैं की कोई उम्र ही नहीं है, ये भी मैं देख पाया हूँ, और शरीर की उम्र है ये देख पाया हो। तो इस फिर ये इसको मैं मेरा ऐसे एकदम अच्छा रियलाइजेशन हुआ वो कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। स्टेप नंबर 2 में जो बात आई थी कि मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो इसको मैं देख पाया भैया, बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे रहे जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो जिंदा तो रहता है लेकिन उसमें कोई कम्युनिकेशन जो होता है वो नहीं होता है, कोई भी प्रतिसाद नहीं होता, ये भी मैं इसको देख पाया। ये मैं देख पाया कि जो मेरे शरीर के अंदर में जो भीतर के अंदर में जो अवस्था है जैसे हार्ट है, किडनी है या डाइजेशन सिस्टम है, ये सारी चीजें चलती रहती है, उसके लिए मेरी सूचनाएं जरूरी नहीं है। तो ये उस वो अपनी शरीर अपनी एक व्यवस्था में है, पर अगर शरीर को हिलाना है, डुलाना है, बात करनी है, देखना है, सर को घुमाना है, तो वो मुझे ही करनी पड़ती है, ये इसमें समझ में आया और इसको मैं देख पाया। तो और शरीर से भी जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई किसी मच्छर ने काट लिया,
तो उसको मैं देख पा रहा कि हाँ यहाँ से संवेदना आ रही, हवा, कान, शब्द जो है, या फिर कोई चित्रण आ जाता है तो उससे कोई संवेदना आ जाती है और उसको मैं अर्थ लगाकर पढ़ पाता हूँ। तो ये जो मैं देख पाया कि मैं और शरीर में सूचनाओं का ही आदान प्रदान था, शरीर मुझे कोई अलग ट्रांसफर नहीं करता, कोई सिर्फ वो शरीर के ऊपर कुछ संवेदना आती है और उसको मैं देख पाता हूँ शरीर के अंदर में। कोई जरूर नहीं है कि हर संवेदनाओं को मैं देख पाऊँ, जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है उसको ही मैं देख पाता हूँ। जैसे स्टेप नंबर 3 में जो है कि जो जो बात मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, जैसे जो मेरे लिए जरूरी है उसको मैं देख पाता हूँ। जैसा अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो अभी मेरे लिए क्या जरूरी है, तो मेरे लिए सामने का स्क्रीन जरूरी है तो उसको मैं देख रहा हूँ, है ना। तो उससे मैं उसको पढ़ रहा हूँ कि हाँ ये उस पर ये लिखा है और मुझे इसके बारे में बात करनी है। जैसे मैं इसको अगर मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई जैसे कोई टच है, स्पर्श है, कोई स्मेल है, तो उसी को मैं सूंघता हूँ जो मुझे सूंघना है। बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी गंदी गली से जा रहे हो और जब आप चलते हो तो वो अभी जो स्मेल जो पूरा परिवेश में है वो तो नाक में आता ही आता है, पर उसमें भी हम ये देखते हैं कि उसको कम से कम सेंस करें, उसको कम से कम तवज्जो दे। इसी तरह से ये देखना पड़ा है कि शरीर को क्या संकेत देना है और किस संवेदना को पढ़ना है, इसका भी निर्णय मैं लेता, है ना। जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग जब तीखा खाते हैं तो अब पेट के अंदर में तो उसको जाना ही जाना है, लेकिन अभी तीखा तो है ही, तो फिर मैं अपना तवज्जो देती यार चलो तीखी मिर्च है उसको जरा साइडलाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा बाकी का तीखा है उसको पकड़ लेते हैं और फिर सीधा जो भी है अंदर डाल देते हैं। तो ये भी देख पाया कि किस संवेदना को मुझे देखना है और शरीर को क्या संकेत देना है, इसको मैं देख पाया हूँ। और ये भी देख पाया हूँ कि किस संवेदना पर ध्यान देना है, किस संवेदना पर नहीं देना है, इसको भी मैं देख पाया हूँ। स्टेप नंबर 4 में थोड़ा सा आगे देखते हैं कि ये जो अभी अभ्यास के दौरान या विपसना में भी बहुत सारी स्थूल संवेदनाओं पर मेरा ध्यान गया है। मैं विपसना में था तो शरीर के अंदर में संवेदनाओं की जो बहुत बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म जो मतलब एहसास होता है उस पर भी मतलब मेरा ध्यान गया है। पर अभी जैसे कि मैं ये विपसना में ये नहीं है कि आप शरीर और मैं के कम्युनिकेशंस को आप देखो, उसमें सिर्फ संवेदना को देखना है, तो मैं देख पाया हूँ ये समझ में आया मुझे। पर यहाँ पे मैं ये देख पाया कि हाँ मुझ में और शरीर में अंतर है, मैं शरीर में कहीं नहीं हूँ, ना शरीर के किसी अंग में हूँ। मैं शरीर की संवेदना को जान पाता हूँ पर मैं ये देख पाता हूँ कि ना मैं मेदस्वी हूँ, ना मैं शरीर का कोई अलग हिस्सा हूँ, और मैं शरीर में कहाँ स्थित हूँ ये भी ध्यान में नहीं आ रहा है। यह भी ध्यान में जा रहा है कि मैं शरीर से दूर भी नहीं, मैं और शरीर के बीच में कोई रक्त प्रवाह भी नहीं हो रहा है, कोई तापमान यानी ठंडी गर्मी का भी आदान प्रदान नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे शरीर के बाहर मैं सब तरफ हर समय हूँ, तो और शरीर की संवेदनाओं को पहचान भी पा रहा हूँ। तो ये थोड़ा भैया इसको ये मैं बहुत ही कम समय ऐसा ऐसा अनुभव आया है और मैं चाहूंगा इसको कि इस पर मैं थोड़ा सा और ज्यादा काम करूँ जिससे मैं अपने आप को देख पाऊँ कि मैं हूँ कहाँ पे। और ये तो स्पष्ट हो गया है कि मेरे और शरीर के बीच में दूरी है, पर दूरी वैसी नहीं है जैसे मैं कनेक्ट होके पाता हूँ, जैसे मैं शरीर में हूँ या शरीर के उसको कहिए कि जैसे कनेक्टेड हूँ, नॉट इनसाइड नॉट आउटसाइड बट कनेक्टेड, इस तरह से एक फीलिंग भाव या फिर समझ बन रही है। बहुत काम करना बाकी है इसके ऊपर और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको इस अभ्यास को मुझे और ज्यादा करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5 जो है इस सत्र में मेरा थोड़ा सा ध्यान गया है कि जैसे कोई चित्र सामने आता है, जैसे ये स्क्रीन मेरे सामने है तो मेरे आंखों पर उसका रेटिना पर उसका पिक्चर आ रहा है, कोई आवाज आ रही है तो कानों में सेंसेशन आ रहे हैं, कोई हवा चल रही है तो स्पर्श टच आ रहा है, जीभ पर भी संवेदना हो रही है। तो इस तरह से बाहरी चीजों का शरीर पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, इसको मैं देख पा रहा हूँ। और अब उसको अर्थ देने का जो काम है वो ये समझ में आया कि अर्थ तो देने का काम तो मेरा है। जैसे मैं पहले शेयर किया था कि कोई अगर विचार मन में आता है तो उसको अर्थ तो मैं दे रहा हूँ, इस तरह से ये जो संवेदना शरीर के अंदर में या शरीर पर हो रही है
उसको भी मैं अर्थ दे रहा हूँ और इसको मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा इसको मैं और ठीक से करना चाहता हूँ। वैसे अभी मैं आपको बता दूं कि मेरी प्रतिक्रिया जो है, मतलब किसी भी संवेदनाओं के कारण जो मेरी प्रतिक्रिया होती थी, जैसे एक एग्जाम्पल आया था मच्छर के बारे में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि सच में अभी मच्छर मुझे तंग नहीं करता है, और एक भी मच्छर नहीं, सारा मैं अभी पूरा, तो अभी मैं उसके लिए मैं खुद प्रयोग करता हूँ आजकल, कि मैं उस जगह जाता हूँ जहाँ पे ज्यादा मच्छर है, और मैं देख पाता हूँ कि भाई अभी मुझे उतनी ज्यादा तकलीफ होती नहीं, क्योंकि मैं दूसरी किसी और को देखता हूँ उसी जगह पे जो दूसरा रह रहा है वो मच्छर के साथ में रह रहा है। एक पिक्चर आई थी पुष्पक, अगर आपने पुष्पक को दिखाया तो आपको उधार में आ जाएगा कि वो टॉकीज के साइड पे रहता है, और जब तक वो पिक्चर की आवाज चलती नहीं तब तक उसको नींद आती नहीं है। तो ये इससे एक समझ में आया कि मैं उसे निर्णय पूर्वक पढ़ सकता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आजकल प्रतिक्रिया बहुत कम आती है। स्टेप नंबर 6 में जो है कि इसका जो अर्थ है, तो निश्चित ही शरीर में जो भी संवेदना हो रही है वो मैं तटस्थ भाव से देखता हूँ, ये पुरानी मेरी प्रैक्टिस भी रही है, और अभी जितनी भी ये संवेदना शरीर के अंदर में हो रही है तो उससे मैं अर्थ लगाने का जो पार्ट है वो भी मैं धीरे धीरे कोशिश में हूँ। पहले जो मैं अर्थ लगा था वो मेरी सारी मान्यताओं के आधार पर लगा रहा था, लेकिन अभी संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व के संदर्भ में भी मैं इसको देख पा रहा हूँ। अभी अध्ययन अभ्यास और अनुभव की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र करना चाहता हूँ। मैं ये देख पाया हूँ कि सुख मेरा खुद की जुरिडिक्शन में है, ये मेरा शोक का भाव, ये मैं देख पाया हूँ। और अभी मैं बड़े ऑनेस्टली से कहना चाहूंगा कि आजकल मैं बहुत मजे कर रहा हूँ, मतलब दुख नाम की जो चीज है अभी 24 घंटे के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि मैं कब दुखी हुआ था, तो बहुत ही कम ऐसे समय आता है जहाँ पे मैं दुख की भाव में रहा हूँ। तो एक जो चीज आया है कि मैं बाहर के किसी भी प्रभाव से मेरे मन के अंदर की जो स्थिरता शांति है वो भी प्रभावित नहीं हो रही है। और ये जो अभी अभ्यास चल रहा है, मैं पिछले अभी 3 महीने हो रहे हैं, अब हम सभी इस सत्र में है, तो इसको मैं ज्यादा से ज्यादा करता हूँ और अच्छा लगता है, मजा आती है, और अवेयरनेस का ज्यादा प्रयोग हो रहा है। स्टेप नंबर 7 के बारे में मैं आऊंगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मेरा होना शून्य के साथ में बना हुआ है, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ। मैंने जब शेयर किया तो रॉकस्टार की कवाली है ना कि कुन फाया कुन, वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया, ये एक अलग ही बात है। मैं बताना चाहूंगा कि इसको एक अलग लेवल पर जाके मुझे लगता है अनुभूत करना पड़ेगा, बहुत सारा अभ्यास इसमें बाकी है। मैं देख पाया कि मुझे जब जो आवश्यकता होती है तो उसकी सूचना मैं शरीर को देता हूँ, और वैसे ही काम शरीर करते हैं, और जब आवश्यकता नहीं होती तो वे अंग चुपचाप रहते हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन है, जैसे ये मैं शरीर को जो कम्युनिकेट करता हूँ वो किसी माध्यम से करता हूँ, और वो जो माध्यम है वो माध्यम शून्य है या फिर व्यापक है, तो जब मैं उसको व्यापक के अर्थ में देखता तो फिर ये इस पर मेरा ध्यान जाता है कि व्यापक मेरे अंदर समाया है, शरीर के अंदर समाया है, हम दोनों के बीच में भी है, और पूरे सारे सब तरफ ये है। और ये भी समझ में आया, मतलब ये ध्यान में आया कि इस पर मेरा ध्यान गया कि भाई ये जो व्यापक है ये ऊर्जा से होगा, जिसके कारण सारी जो इकाई है वो अपनी अपनी ऊर्जा संपन्न है, तो इस पर ध्यान गया है। अलग एक बात है ये, इसको मुझे लगता है कि और ज्यादा मतलब डिटेल में और तीव्र गति से करना पड़ेगा। अभ्यास 1 और 2 में भैया जितनी भी स्टेप्स है, सभी स्टेप्स मेरी अभी पूरी नहीं कर पाया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसे अभ्यास 1 और 2 में जो 6 और 7 नंबर की जो चीजें हैं, जो स्टेप्स हैं, वो मेरे से और ज्यादा और फ्रिक्वेंट करने की आवश्यकता महसूस होती है, और इससे मैं ये देख पाया हूँ इस पूरे सत्र के दौरान कि मैं शांति, स्थिरता और आनंद का अनुभव कर पा रहा हूँ, जैसे जिसको कभी हम लोग संगीतमय की स्थिति में कहते हैं, तो वो मेरा अनुभव रहा है, और निश्चित ही अभी ज्यादा रुचि इस ओर बढ़ रही है। और इसी के कारण हो क्या रहा है कि इसी के कारण अभी लोग भी मुझे देख रहे हैं कि भाई कहने कहीं कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, ये जो अकेला अकेला चल रहा है आजकल लोगों को साथ में लेके चल रहा है। तो अभी जैसे मैंने फिर
जब से ये दर्शन से और यूएचए से संपर्क में आया हो, तो मैं आपको एक बता दूं कि यूएचए का नाम मेरी बीवी को अच्छा लगता है, तो मैं सारी बातें यूएचए की उसके साथ में करता हूँ, पर वो मुझे सुनती नहीं है क्योंकि वो मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो हमारे जो पहले की पुरानी मान्यता है, मैं इसका तो मुझे सिर्फ सुनना है, करना कुछ नहीं है, जैसा मुझे भी पहले वैसे ही लगता था। तो थोड़ा मैंने उनको कहा कि यूएचए का कोर्स एक दोबारा अगर ईमानदार से कर लो तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। पहले मैं समझाने के इसमें रहता था, लेकिन अभी आजकल मैंने समझाना छोड़ दिया है। कुमार भैया कहते हैं कि जिसकी जो गति है वैसे वैसे गति से जाएंगे, तो ये प्रयास जो मेरे बीवी के लिए जो मैं कर रहा था, बस मैंने ये प्रयास करना शुरू कर दिया है कि अपने आप को तैयार करने का काम शुरू किया है। जितना मैं तैयार हो जाऊंगा तो मेरी बीवी का जो परिवेश है वो भी तैयारी से पूर्ण रहेगा। और मुझे लगता है कि जब हम अगले साल साथ में, जब सब लोग घर में रहेंगे, तो निश्चित ही हम इस बात को पूरा कर पाएंगे। मेरी भागीदारी ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। भैया, पिछले जनवरी 2022 से मैं अभी बहुत कम दिन ऐसे गए हैं जहाँ पे मैंने कभी 1 घंटा नहीं दिया है। या तो मैं ऑडियो सुनता हूँ जीवन विद्या के शिविरों की, अध्ययन बिंदु शिविर की, या फिर सात सत्र के शिविर के ऑडियो सुनता हूँ, यूएचए के जो आपके पीपीटी है उसको देखते रहता हूँ, और जो जीवन विद्या की जो किताब है उसको मैं पढ़ते रहता हूँ। कहीं ना कहीं 1 घंटा मैं रोज दे रहा हूँ और मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है। आप इस बात को, मेरी खुशी को आप समझ नहीं पाएंगे कि अगर इस संसार को अगर कहीं बदलना है, पूरे 800 करोड़ लोगों को, पूरे सृष्टि के साथ, तो विकल्प तो यही है। इस पर मेरा विश्वास हो चुका है। तो इस बार जैसे मैंने कहा कि मैं इस अभी मैं कुछ समय के लिए पिछले साल वॉलंटियरिंग असाइनमेंट के लिए, एसआईपी के लिए कुछ ऑप्ट आउट किया था, पर चूंकि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफिशियल है वो कभी भी पॉप अप हो जाती है, तो मुझे मेरा योगदान देना नहीं बना। थोड़ा सा मैं इस बार क्या हो रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं यूएचए 1 एक बार फिर से करूँ, यूएचए 2, यूएचए 3 एक बार फिर से करूँ, और अगर इसके ऊपर भी कोई यूएचए 4 5 होता होगा तो उसको भी मैं अटेंड करूँ। फिर थोड़ी मेरी जो अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको देखते हुए मुझे सब काम करना पड़ेगा। मेरा आगे का प्लान यह भी है कि मैं अभी कानपुर में खुद फेस टू फेस सार सत्र को अटेंड करूँ इस साल या फिर अगले साल। अभी भैया मेरे को सिर्फ 1 साल रिटायरमेंट का है, तो मेरा अभी अपना खुद का एक नियोजन बन रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि वैसे भी रिटायरमेंट के बाद भी मैंने ये प्लान किया था, मैं सोशल वर्क में अपने आप को कमिट करूँ, लेकिन अभी मेरे सामने इतना बड़ा काम आ गया है, तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि मेरी रिटायरमेंट के बाद की फुल टाइम ड्यूटी क्या है। और ये सामान जो है यूएचए का या फिर जीवन विद्या का, वो मेरे सामने अभी है, तो उसको मैं इस साल तो मैं पढ़ने का प्लान किया हूँ। और चूंकि मैं एक प्रशिक्षक भी हूँ, मैं DOPT का डायरेक्टर ऑफ स्किल्स और ट्रेनिंग डिजाइन का रिकॉग्नाइज ट्रेनर हूँ, राइट टू इंफॉर्मेशन का भी मैं नेशनल रिसोर्स पर्सन हूँ, तो मुझे प्रशिक्षण के बारे में थोड़ी सी मेरी स्किल्स है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे अपनी स्किल्स का इस्तेमाल इस पूरे प्रचार प्रसार में दू। और निश्चित ही संभवतः 2025 के जून महीने के बाद में अपने आप को मैं फुल टाइम की तरह प्रस्तुत करने का प्लान करता हूँ। अभी 1 साल का जो मेरा नियोजन लग रहा है कि मैं अभी पुणे में हूँ, तो मैं किसी कॉलेज में फेस टू फेस कोई भी यूएचए 1 यूएचए 2 अटेंड करूँ, और अगर मेरा योगदान कहीं होगा तो मैं भी अपना 1-2 सेशंस में अपना योगदान दूँ। मैंने एक शेयर किया था कि मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ टाइम शेड्यूल्स मेरे लिए बड़ा टाइट हो जाता है, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो इस तरह से मेरा शेयरिंग है भैया। जी अभी मैंने पूरे स्टाफ को जो है यूएचए 3 के कोर्स के लिए मैंने लगा दिया है। थोड़ी मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यूएचए 3 का जो, या यूएचए का जो कोर्स है उसमें यूनिवर्सिटीज का कुछ वो आता है, तो उसमें होता क्या है कि अभी मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने पहला जो अपना रेशन किया था वो गलत नाम से, मतलब गलत ये किया था, झूठ बोला भैया, था। हाँ भैया, थोड़ा बस समय हो गया भी भैया, हो रहा है। आई एम सॉरी मैं जरा डिले कर रहा हूँ, पर ये मेरी शेयरिंग है। मैं चाहता हूँ कि आप यूएचए की जो टर्म्स कंडीशंस है यूनिवर्सिटी वाली, जो जो भी स्टार वाली, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करें तो बाकी सभी इसको अटेंड कर सकेंगे। थैंक यू भैया, आप सभी ने मुझे सुना, और खास करके मैं जगदीश भैया, प्रशांत भैया, अनुपमा दीदी को धन्यवाद देना चाहूंगा, और उनके इनिशिएशन पे हैट्स ऑफ है कि वो इतनी अच्छी चीजें वहां पे रखते हैं जिससे हम सभी लोग सीख जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से इतना है। ओवर टू यू भैया। जी।
रविकांत भैया, बहुत ही सुंदर शेयरिंग बहुत ही स्पष्टता के साथ में आपने रखी। और कुछ हैंड्स रेज है, लेकिन पहले हम कुमार भैया से गाइडेंस चाहेंगे। भैया ओवर टू यू। जी मैं कहूँगा रविकांत भैया, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रही। जिस तरह का आप पहले से भी शोध करते रहे हैं और जिस बारीकी से आप चीज़ों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहे हैं, और जिस तरह से आपके अंदर स्वीकृति अब बनती जा रही है, यही समाधान है और ऐसे ही जीना है, ये प्रशंसनीय है। आपने जीने से भी जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोगों में बारीकी से देखने का प्रयास किया है। अभ्यास एक और दो को भी आप गंभीरता से देख पा रहे हैं और आपको एक अनुमान भी लग रहा है कि इसमें कितना समय लगाने की जरूरत है। तो बहुत ही बढ़िया भैया, मुझे इसमें एक चीज लगती है कि अब आप अपनी थोड़ी भागीदारी को बढ़ाएं। जी भैया, थोड़ा सा अल्टीमेटली वो मैं जैसे कहा कि वो ऑफिस का जो ड्यूटी टाइम होता है भैया, आप जानते हैं प्रशासन में जो होता है, तो जी। मैं उसको किसी शेड्यूल टाइम पर उसको नहीं कर पाता हूँ, पर फ्रीलांसिंग में जरूर कर पाऊंगा। हाँ, और हाँ, इसमें और बहुत अगर सारे काम हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जी जिसमें और आप अगर पुणे पूना में कहीं अगर कुछ मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मैं दे पाता हूँ तो दे सकूँ। में। जी मैं अभी पुणे में हूँ। अच्छा, तो पुणे में तो एक बड़ी टीम है, वहाँ पुणे विद्यार्थी गृह में एक बड़ी टीम है जो नोडल सेंटर बनने की ओर अग्रसर है, साथ में और भी कई साथी हैं। तो आप उस पूरी टीम के साथ अगर जुड़े तो बहुत अच्छी संभावना बनेगी आगे के लिए, जी वहाँ वैसे पे समय समय पे। जी मैं भी पुणे के साइड में नगर में हीरे बाजार करके जो गांव है वहां पे मैं जीवन विद्या शिविर का प्लान कर रहा हूँ। कुछ साथियों से मेरी बात हुई है पुणे के साथियों से, जी और शायद आप श्रीराम भैया को पहचानते होंगे। हाँ, जी 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 उन्होंने आपका उल्लेख किया था, तो उनके साथ मिलके थोड़ा सा शिविर का आयोजन का एक नियोजन चल रहा है भैया अभी। बढ़िया भैया, बढ़िया, तो करें आप उसे, अच्छा रहेगा। अभी आपकी उम्र कितनी हो गई है? नहीं, अभी तो कोई उम्र है नहीं भैया फिर अभी भी कोई उम्र है नहीं भैया, बस निश्चिंत रहिए, अभी आप जब जाएंगे तब तो अच्छा बात नहीं कर सकेंगे, बस नहीं। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। तो आगे, एक तो ये बात आपने जो बताई कि इस बैच एक में आप हर दिन 2 घंटा नियमित रूप से सुने हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है, तो जी भैया, इसको रेगुलर चल रहा है। भी आप आगे बनाए रखें अभ्यास एक और दो में, और भाव के स्तर पर सजग होकर अपने संस्कारों में परिमार्जन के लिए जो काम करना है, ये गहरा लंबा काम है, इसमें तो अभी समय लगेगा। तो एक छोर पे हमें अपने संस्कारों में परिमार्जन के लिए काम करना है ताकि अनुभव तक गति कर सकें, और दूसरे छोर पे हमें संबंध और व्यवस्था में फैल के भागीदारी करनी है। तो बढ़िया है, तो जी भैया, हम इसे जारी रखें, कंटिन्यू करें। एक और बात नजर आई कि आपने अपनी पत्नी के बदले शिविर किया, ये वर्कशॉप किया, और उससे आपका ध्यान चला गया, तो ये भी एक अच्छी घटना हो सकती है कई साथियों के साथ, क्योंकि पर मैं तो उसका ऑनलाइन ऋणी हूँ ट्रेनिंग। भैया, मैं तो उसका ऋणी हूँ, बस मेरी थोड़ी सी कोशिश है कि वो भी एक बार ईमानदारी से यूजी का कोर्स कर ले उन्होंने जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको प्रोत्साहित अपने करिए। क्रेडिट और प्रमाण पत्र तो ले लिए, दो दो ले लिए। अच्छा नहीं, बट इसको थोड़ा सा मैं अन्य साथी से भी कहूंगा कि जहां तक हो सके इसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये हम लोग के लिए भी एक इशू रहता है कि किन्हीं के बदले कोई वर्कशॉप कर लेते हैं, और सर्टिफिकेट जिनको मिलना है उनको न मिलकर किन्हीं और को मिल जाता है, और उससे आपका उपकार हो गया, ये एक अच्छी बात है। बढ़िया भैया, तो जी भैया, थैंक यू, ढेर सारी शुभकामना, बधाई आपको। थैंक यू भैया। जी धन्यवाद भैया।